हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में वन रक्षक की जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई है, 2020 की जो भर्ती निकली थी, 2022 में इसकी एग्जाम हुई है 12 और आपके 13 नवंबर को, और इसी के साथ में आपके 11 दिसंबर को। तो आपके ऑफिशियल आंसर की भी बोर्ड ने कुछ देर पहले जारी की है। हम आपको इस वीडियो में 12 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो आपके रहा था, कुल मिलाकर के पहली पारी का जो एग्ज़ाम रहा था आपके वन रक्षक का, उसका आपको ऑफिशियल आंसर की आधार पर हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ बताया जाएगा। ऑफिशियल पेपर है और ऑफिशियल आंसर की आधार पर हल यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 1 से लेकर 100 तक आपको यहाँ क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे ऑफिशियल आंसर की आधार पर। तो आप आसानी से अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक नंबर से आपको अपने इस यहाँ से क्वेश्चन देखने हैं और मैं यहाँ पर उत्तर भी बता दे रहा हूँ। और आप एक काम कीजिए, आपने जो आंसर की बोर्ड में आप जब OMR शीट भर करके आते हैं तो उसके पीछे की जो कॉपी आपको मिलती है उसके आधार पर अपने पेपर में निशान लगा लीजिए कि आपने क्या उत्तर लगाया है। इसके बाद में इस वीडियो को आप एक नंबर से शुरू कीजिए और 100 तक देखिए। मैं आपको यहाँ उत्तर बता दे रहा हूँ, बोर्ड ने क्या उत्तर माना है और आपने उसका क्या उत्तर लगाया है वो आप मिलान कर लीजिए। तो इससे आप पता कर सकते हैं कितने नंबर आपके बन रहे हैं। बस यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस अलग अलग रहती है हर एक पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर हम दोस्तों एक काम करेंगे, ये मैथ के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम शुरू करते हैं 31 नंबर से। 31 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है, अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। और 31 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। 3200 प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए कितने वर्ष कर दी गई है। तो 32 में ए नंबर आ जाएगा इसमें, 70 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 33 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जापान। ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 34 नंबर का। 34 नंबर के प्रश्न में यहां पर कहा गया है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है। 34 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 35 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, दोस्तों जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। 35 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, जोधपुर एवं डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, मार्च 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है। 36 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी चौथा स्थान है। तो यहाँ पर आप आसानी से अपने आंसर की मिलान कर पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ कि बोर्ड ने इस प्रश्न का क्या उत्तर माना है। प्रश्न को आप अपने जो आपने उत्तर लगाया है वो आपने मिलान कर लिया होगा, ठीक है, और इसके बाद में मैं यहाँ पर उत्तर आपको बता रहा हूँ, तो आसानी से आप मैच कर सकते हैं आंसर की। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी है। REVP में ई का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, इलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन है 38वां, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। 38 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सांचौर जालौर में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, 39 में कहा गया है RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। 39 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, राज्य सूचना आयोग। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। 40 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दिसंबर 2023 तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 41 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न जो है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है आपको। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यहाँ पर ये कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है कहा गया है। तो 41 नंबर में ए आ जाएगा, ए के अनुसार केवल कथन एक सही है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, एक नंबर वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। 42 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जसवंत सिंह। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन पर, 43 में कहा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? 43 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जनगणना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, और 44 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? 45 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था, तो 46 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 18 अप्रैल 1948 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है 47 में यहाँ कहा गया है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? और 47 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 12 वर्षों तक। और अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर निवाड़ी उपबोली है, और 48 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मालवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 49 नंबर का, और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? 49 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको नीचे कूट में से सही उत्तर चुनना है, 50 में ए आ जाएगा, केवल 3 नंबर वाला सही है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। 51 पर चलते हैं हम, गलत युग में छाटना है छतरी और स्थल से संबंधित, तो यहां पर नीचे कूट में से सही उत्तर चुनना है 51, और 51 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों यहां पर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार एक और तीन गलत युग में है, 84 खंभों की छतरी कोटा और 3 नंबर मामा भांजा की छतरी जयपुर, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? 52 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का। 52 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 53 पर चलते हैं हम, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं? 53 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको कई बार एग्जाम में दे चुका है RSMSSB भर्ती बोर्ड, 2022 में ही कई एग्जाम में आ चुका है, खासकर आपकी फायरमैन भर्ती, PTI भर्ती और लाइब्रेरियन भर्ती, इनमें से कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? 54 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कोटा। ऑप्शन नंबर ए कोटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, अधोलिखित युग्मों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो नीचे कूट में सही उत्तर चुनना है। 55 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1, 4, 2 और 3। 1 नंबर तराहिन का प्रथम युद्ध अगला है, 4 नंबर गिरी सुमेल का युद्ध, फिर आ जाता है हल्दीघाटी का युद्ध, और फिर है दिवेर का युद्ध। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? 56 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सीकर के। अगला क्वेश्चन है, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? 57 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1933 में। अगला क्वेश्चन है 58 कहा गया है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? 58 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1488। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1488। बेनेश्वर का मेला कब भरता है? 59 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, माघ पूर्णिमा को। बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की उसके आधार पर हर एक प्रश्न का आपको यहाँ उत्तर बताया जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, फॉरेस्ट गार्ड का, जो आपके 12 और 13 को आपके एग्ज़ाम हुई थी, और कुल मिलाकर के 11 दिसंबर को भी आपके एग्ज़ाम हुई है, जो पेपर आपका कैंसिल हो गया था। तो सभी के आंसर की आपको उपलब्ध हो रही है, बाकी के आंसर की इसके लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जो भी आपके शिफ्ट के एग्जाम है उनको जरूर से देख लें। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। तारा शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? 60 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, भवाई नृत्य। विग्रह राज रचित रचना हरकेली इनमें से क्या है, किस कैटेगरी में आती है? नाटक। ऑप्शन नंबर ए। 62 लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? 62 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जसनाथी संप्रदाय। बिलाड़ा का संबंध किस लोकदेवी से है? मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर बिलाड़ा का संबंध किस लोकदेवी से है? 63 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आई माता। और बता देना चाहूँगा दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की ही आपकी जो अलग अलग शिफ्ट की एग्जाम्स हैं उनमें ही ऑप्शन बदल बदल करके इस क्वेश्चन को दिया गया है, कई पेपर में दे दिया गया है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? 64 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गला। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? 65 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मेवाड़। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 66 का।
66 में कहा गया है पन्ना मीना का कुंड स्थित है। 66 नंबर में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जयपुर में। 67 राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। 67 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सांबर। 68 निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है, गलत युग में कौन सा है वो छाटना है। 68 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बलाथल कांतली। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है। 69 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मल्लीनाथ जी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। 70 में कहा गया है रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावंड शैली। 71 आगीबाण के संपादक थे। 71 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है 72 में कहा गया है सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। पर्यटन स्थल और जिला यहाँ पर दिया हुआ है। 72 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3, 4, 2 और 1 वाला है। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। जसवंत थड़ा आपके कई एग्जाम में आ चुका है, ये फॉरेस्ट गार्ड की में। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 4, 2 और 1 वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 73। राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। 73 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं 74 पर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है 74 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन करना है, कौन कौन से कथन सही है। 75 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1, 2 और 3 सही है। 1 पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। 2 रेत की अधिकता के कारण दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। 3 नंबर वार्षिक ऋतु ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 76 पर आ जाते हैं, बीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है। 76 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। बी के अनुसार एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी भी कह सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर 77 में हम ऑप्शन देख लेते हैं, बी आ जाएगा 1 और 2 सही है। लूनी बेसिन गुड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और 2 नंबर भी सही है, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 78। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 78 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भरतपुर। जैसे ही दोस्तों फाइनल आंसर की बोर्ड जारी करेगा उसके आधार पर भी आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएगा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। तो चैनल को लगातार विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करना है। अगर इसी प्रकार का कंटेंट पाना है तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में जो भी पेपर देखना चाहते हैं, लेटेस्ट पेपर है। और साथ ही जिनको आंसर की मिलान करनी है उनको भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपने आंसर की देख सकें। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 79 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा AW सीकर चूरू वाला। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, AW सीकर चूरू ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें 79 में। 80 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 80 नंबर के प्रश्न पर गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है। 80 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा थारपाकर। आनंदपुर भुकिया और तिमारण माता प्रसिद्ध है, तो यहां पर 81 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा स्वर्ण निक्षेपो हेतु कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। 82 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मध्यम काली मृदा। 83 आजम और जाजम प्रिंट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपके वीडियो भर्ती से आया हुआ है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। 83 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा चित्तौड़गढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था। रिपीटेड क्वेश्चन है, 84 में ए आ जाएगा झुंझुनू। 85 राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोटरी फूलदानों प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। 85 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कोटा। 86 राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है, नहीं कहा गया है कौन सा नहीं है। 86 में डी आ जाएगा मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। 87 पर चलते हैं, 1 नंबर से 30 नंबर के प्रश्न हमारे बाकी हैं, जरूर से वीडियो एंड तक देखें। बाकी के पेपर्स के लिंक आपको नीचे दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर से अपने पारी का पेपर देख लें। सभी पेपर्स के लिंक देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो सकेगा जितने अधिक पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए जा सकें उपलब्ध करवाए जाएंगे, बाकी भी जल्द ही मिल जाएंगे। निम्नलिखित को मिलाएं, परियोजना और स्थान दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पर युग्म आपके सही है वो आपको चुनना है। 87 में डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा 4, 1, 2 और 3 वाला आ जाएगा।
4, 1, 2 और 3 यहाँ पर सिद्धमुख परियोजना ये आपके चला जाएगा, हनुमानगढ़ चूरू से संबंधित है, नर्मदा परियोजना जालोर और बाड़मेर से संबंधित है, जवाई परियोजना आपकी पाली से संबंधित है और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 88 पर। 88 में कहा गया है मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 88 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1 और 3 सही है। एक नंबर इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था और 3 नंबर भी सही है, यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, पटेलिया लालर मूमल और बिचियो है तो काई है। तो 89 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राजस्थानी लोकगीत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 90 नंबर का, कर्नल जेम्स टोडर ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। रिपीटेड क्वेश्चन है, 90 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दिवेर का युद्ध। 91 सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, 91 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दादू दयाल जी। और अगला क्वेश्चन है 92 पर चलते हैं, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। 92 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, शाहजहां। लसाड़िया का पठार अवस्थित है कहां पर। 93 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उदयपुर में। 94 जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई। 94 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2015 में। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 95 में ए आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी। और अगला क्वेश्चन है 96, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है। 96 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राजसी को। 97 वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। 97 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रेड। और 98 पर चलते हैं हम, 98 में कहा गया है, 98 नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं फ्रेंड्स। और 98 में कहा गया है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। और सही ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर वाला, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले धौलपुर आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा अजमेर, फिर अगला आ जाएगा पाली, फिर जैसलमेर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 99, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। 99 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अजमेर में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर के हिसाब से, लेकिन हमारा भी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारे 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का अर्थ काई है। तो यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अर्ध अकाल। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम, 1 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 1 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, यदि x बराबर 1 + i / √2 तो x की पावर 6 + x की पावर 4 + x² + 1 = कितना हो जाएगा। 1 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, डी के अनुसार 0। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किमी घंटा की एक समान चाल से चल रही है, वह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफार्म को पार करती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 130 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। 2 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है, पी एस एस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और कोण यहाँ पर दिया हुआ है ओ एस क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण एस पी आर ज्ञात करना है कितना है। 3 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा, ए नंबर वाला 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए, उन दोनों से कुल मिलाकर के 2,200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। 10% ऑप्शन नंबर डी। जब x^4 - 3x³ + 2x² - 5x + 7 को x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, -3। 6 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हो तो उनका औसत कितना होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 7वां, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 7वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 6 सही 2/3 दिन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 8 नंबर के प्रश्न पर, 2 संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका महत्तम समापवर्त्य 13 है, ऐसे कितने जोड़े बन सकते
है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दो जोड़े यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न 18 सहित 26/27 है, मूल भिन्न कितनी है? 9वें नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2 सहित 2/3। अगला क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का। 10 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, */21 * */189 = 1 में दोनों स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? पहले से स्टार लगा दिया, बहुत बढ़िया भाई। 10 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 63, ऑप्शन नंबर बी। आकृति में यहाँ पर दिया हुआ है, यदि सी डी समांतर ई एफ इक्वस टू ए बी, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्स का मान हमें ज्ञात करना है कितना डिग्री है, ठीक है। और 11 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 120 डिग्री यहाँ पर कोण यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, 252 रुपये ए बी और सी में बांटे जाते हैं, ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्सों के योग का 5/7 है और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्सों के योग का 5/9 है, सी का हिस्सा बराबर है। 12 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 57 रुपये। चीनी की कीमत में 20% कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है, चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है? जो पिछली कीमत थी वो कितनी है? तो 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। 14 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की दो माध्यिकाएं पी एस और आर टी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यदि पी एस बराबर 9 सेंटीमीटर और आर टी बराबर 6 सेंटीमीटर तो आर एस की लंबाई कितनी है? 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है और 25% की छूट देता है, इसके अलावा अपना माल बेचते समय वह 10% वजन कम कर देता है, व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ए 50%। अगला क्वेश्चन है, राडार का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, कॉलम फर्स्ट है वैज्ञानिक और कॉलम सेकंड है उनकी खोज, और आपको उनको सम्मिलित करना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, ए आ जाएगा यहाँ पर, 2, 3, 4 और 1। गोल्डस्टीन प्रोटॉन संबंधित है, अगला है चार्डविक न्यूट्रॉन संबंधित है, जे थॉम्सन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन संबंधित है, और जॉन डॉल्टन परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्कक का सबसे अच्छा उदाहरण है? 18 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सिलिका जेल। 19 नंबर में कहा गया है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, यहाँ पर कूट का चयन करना है आपको कौन से यहाँ पर कथन सही है, और 19 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है और कथन सेकंड फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण देता है, मिट्टी का तेल वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 20 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे भी इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कितने नंबर बन रहे हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए सूखे प्रकंद से, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन, यहाँ पर परमाणु संख्या दी हुई है 18, दो तत्व हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इन दोनों को कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आइसो बार यहाँ पर इन्हें कहा जाता है। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति कारण होता है? 22 में बी आ जाएगा, कैप्साइसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 23, पायरेलियोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है? सौर विकिरण को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 24 पर चलते हैं, कहा गया है 24 में निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? 24 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अक्ल दाढ़। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? 25 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 26 उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्नलिखित में से किस इंजन के लिए आदर्श है? ऑप्शन नंबर बी डीजल इंजन। अगला क्वेश्चन 27, संवेग का एसआई मात्रक कौन सा है? सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक यहाँ पूछा गया है संवेग का। 27 में ए आ जाएगा, kgms^-1। 28 पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर इनमें से क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ पर 28 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है। यहाँ पर हमारे लास्ट दो क्वेश्चन बाकी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी इस प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप सबसे पहले, और बाकी के पेपर्स के लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवाए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं। पायस के कुछ गुण हैं,
सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है आपको, सही कूट का। 29 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, दो और दोनों, एक और दो दोनों सही है। पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, ये भी सही है। और तैलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक चिपचिपे होते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है। 30 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जहाँ तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है। तो ये फॉरेस्ट गार्ड का फर्स्ट का पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।